और जनपद रुद्रप्रयाग में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आशा वर्करों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली है। साथ ही जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मजदूर संघ के जिला मंत्री बुद्धि बल्लभ थपलियाल ने कहा कि आशा वर्कर कठिन परिस्थितियों में भी कार्य कर रही हैं, मगर उनको सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उनके कार्य के हिसाब से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं आशा वर्करों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आशा वर्कर के ऊपर इतना कार्य भार है, लेकिन उसके एवज में ना तो मानदेय सही दिया जा रहा है, ना ही उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। काम इतना दिया जाता है, सुबह क्या, शाम क्या, दिन में क्या, 12 बजे क्या, जब चाहे तब हमको काम दिया जाता है, लेकिन हमको उस काम का कोई दाम नहीं दिया जाता है। हमारी जो मांगे थी, हमारी जो सारी सूत्रों पे जो काम था वो हमें पूर्ण ढंग से दिया जाए। और हमें जिस टाइम रखा गया था न्यूनतम हमें शिशु और मातृ के मृत्यु दर के लिए काम करने के लिए रखा गया था, लेकिन आज उसके बावजूद हमें कितना काम दिया जा रहा है कि घर घर जाके आशा के पास दवाई भी दी जा रही है, दिया जाए। और हमारी जो विभिन्न मांगे हैं, हमारी जो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन राशि है, उनको समय पर दिया जाए, एवं जो भी हम फील्ड में कार्य करते हैं उसके लिए हमें उसका भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। और हमारी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है, स्वास्थ्य मंत्री से यही गुजारिश है कि जो भी हम आशा बहने निरंतर एक नवजात शिशु को लेकर और आगामी भविष्य तक उसकी कल्पना करते हैं, उसके लिए हमें सुचारू रूप से जो हमारा प्रोत्साहन बनता है वो दिया